अरे ये निकल क्यों नहीं रहा? अरे क्यों नहीं निकल रहा भाई, खोल के देखती हूँ। एक सेकेंड, और अच्छा इसके नीचे एक और कैप थी, वो मैंने उतारी ही नहीं। वाओ, चलो पहले इसे निकालते हैं। निकल भाई निकल, मैंने वीडियो के लिए नेल पेंट लगाई थी, सारी ख़राब कर दे इसी में। निकल, एंड ये निकल गया। कौर ब्लॉग टीवी एंड दिस इज जसलीन कौर, और आज की ये वीडियो उस फेमस ब्रांड के बारे में है जिसकी ब्लीच हमारी मम्मी, चाची, मासी, ताई, बुआ सब यूज करती हुई आई हैं, दैट इज ओलिविया। ओलिविया के आज मैं बाकी के प्रोडक्ट्स लगा कर भी दिखाने वाली हूँ और साथ ही साथ रिव्यू भी करने वाली हूँ, तो इसलिए वीडियो एंड तक देखना मत भूलना, और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। सो गाइस, सबसे पहले मैं अपने बेयर फेस पे फेस वॉश करके अच्छे से ये चंदन फेस पैक लगाऊंगी ओलिविया का, जो कि काफ़ी अच्छा है और इसकी क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो मैं सबसे पहले मिडिल क्लास फैमिली की तरह मैं ढक्कन से ये सारा का सारा जो भी प्रोडक्ट है वो लेकर अपने फेस पर लगाऊंगी इस फेस पैक को, और आप इसे 15 से 20 मिनट तक रख सकते हो, या जब भी आपको लगे कि ये सूख चुका है आप तब तक उसे रख सकते हो, और उसके बाद आपको वॉश करना है। तो ये मैं अपने फेस पर लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं सबसे पहला स्टेप मेरा यही है। इसके बाद मैं 15 टू 20 मिनट्स तक वेट करूँगी, ये ड्राई होने के बाद मुझे इसे सीधा वॉश करना है। मैं ये लगा रही हूँ, तब तक मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बिग बॉस कौन कौन देखता है? इस बार का बिग बॉस 13, अगर आप देख रहे हो तो आप मुझे बताओ ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि कौन जीतेगा। कमिंग बैक टू द वीडियो, तो मैंने ये वॉश कर लिया है अच्छे से। अब इसके बाद मैं कुछ और भी यूज़ करूँगी, तो ऑफकोर्स मैं एक टोनर की तरह रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ, जिसका मैंने इंट्रो में ही आपको बता दिया था कि इसने मेरा क्या हाल किया है। तो मैंने इसे लगाया है टोनर की तरह, वैसे ये मेकअप रिमूवर की तरह भी यूज़ हो सकता है ऐसा वहाँ पे लिखा है, लेकिन मैंने अभी यूज़ करके देखा नहीं, तो मैं जब यूज़ करूँगी तो आपको बताऊँगी। तो ये मेरा फेस काफ़ी क्लीन हो चुका है। अब इसके बाद मैं आलमंड क्रीम लगाऊँगी, हर्बल आलमंड क्रीम फ्रॉम ओलिविया। ये भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मॉइस्चराइजिंग है, जो इसकी फ्रेग्रेंस है वो इनफैक्ट बिल्कुल आलमंड जैसी है, बिल्कुल आलमंड जैसी। तो कुछ ऐसा नहीं है कि फ्रूटी स्मेल हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा सूदिंग लगे, लेकिन हाँ जैसे आलमंड की खुशबू आती है वैसी ही है ये। तो अब मैं इसे ये लगाऊंगी अपने फेस पर, प्लस ये पफिनेस दूर करती है, तो इसलिए मैं अपने आईज़ पर भी लगाऊंगी अच्छे से, वो आप देख लेना कि मैं कैसे इसे अप्लाई कर रही हूँ। तो ये काफ़ी मॉइस्चराइजिंग है, और स्पेशली जिनकी ड्राई स्किन है, जैसे कि मेरी ड्राई स्किन है बहुत ज़्यादा, तो मैं डेफिनेटली इसे प्रेफर करती हूँ आफ्टर द पैक, क्योंकि पैक के बाद थोड़ी सी स्किन ड्राई होने लग जाती है। यूजुअली ऐसा होता है, लेकिन इस वाले पैक के बाद मेरी स्किन ड्राई नहीं हुई, इतनी ज़्यादा ड्राई आउट नहीं हुई जितनी कि बाकी पैक्स को यूज़ करने के बाद होती है, जितने भी फेस पैक्स हैं उनको यूज़ करने के बाद जो होती है। इसके बाद मैं अपने आईज़ पर मैंने अच्छे से अप्लाई किया है, आप देख सकते हैं कि मैं अपने अंडर आई वगैरह सब जगह अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज मुझे पफिनेस वगैरह नहीं चाहिए अपने आईज़ के नीचे। तो जिनको पफिनेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वो ये ज़रूर अप्लाई करें, प्लस ये डीप हाइड्रेशन देता है। लेकिन इसके बाद भी अभी ये स्किन केयर स्टेप मेरा कम्प्लीट नहीं हुआ है, फेस के लिए तो कर लिया, लेकिन अब लिप्स के लिए भी तो करना है, तो इसलिए मैं ये ओलिविया का ही लिप बाम यूज़ कर रही हूँ, जिसमें बहुत ही फ्रूटी मेलन जैसी स्मेल है, बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है। तो ये मैं ज़रूर अप्लाई कर रही हूँ, और ये काफ़ी अच्छा है, लिटरली काफ़ी मॉइस्चराइजिंग है, काफ़ी लाइट वेट है। सो गाइज़, ये थी मेरी स्किन केयर वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो।